जी हाँ, इस्लामिक आतंकवाद को अल्टीमेटम, ये पहली बार है संभवतः जब CDS जन आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हम लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या हिंदुस्तान खोदेगा कट्टरता की कब्र? कट्टरवाद, आतंकवाद और विस्तारवाद के खिलाफ महायुद्ध का नेतृत्व क्या भारत करेगा? मैं डिबेट आगे बढ़ाऊं, उससे पहले कट्टरता और कट्टरवाद के सरेंडर की एक बहुत बड़ी तस्वीर आई है, बहुत ध्यान से देखिएगा। वो तस्वीर दिखाई जाए, देखिए ये ड्रोन की नजर से आतंकवादी के सरेंडर की तस्वीर है। जो हम डिबेट कर रहे थे ना कि कट्टरता पर आर पार, आतंकवाद को लेकर नो कॉम्प्रोमाइज, ये आपको नजर आ रहा है आतंकवादी? ध्यान से देखें तस्वीर, ये देखिए रेड सर्कल में ये आतंकवादी का सरेंडर। ये पंपोर में 20 घंटे से ऑपरेशन चल रहा था, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ड्रोन की नजर से। ये आपको जो रेड सर्कल नजर आ रहा है, इसके अंदर आतंकवादी है। दो आतंकवादियों को ढेर किया गया, तीसरे ने सरेंडर किया। दो आतंकवादियों को ढेर किया गया, 20 घंटे से ऑपरेशन चल रहा था पंपोर के अंदर, पुलवामा के पंपोर के अंदर 20 घंटे से ऑपरेशन चल रहा। ध्यान से देखिए, ये आतंकवादी ने सरेंडर किया। आगे देखेंगे, आगे की तरफ बढ़ रहा है, ध्यान से देखिए। या ये ड्रोन की नजर से, ड्रोन कैमरे से इसको रिकॉर्ड किया गया। तीन आतंकवादी, दो को मार गिराया गया, एक का सरेंडर। आप आगे की तरफ देखेंगे, ये अपना हथियार निकालेगा, तमाम चीजें निकालेगा, क्योंकि आज हम डिबेट भी कट्टरवाद और कट्टरता के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ कर रहे थे। इसलिए लगा ये शुरुआत इन तस्वीरों से, क्योंकि ये भी एक तरीके से आखिरी वार्निंग का ही नतीजा है कि अब आतंकवादी, ये देखिए, अब आप ध्यान से देखिएगा, ये सामने की तरफ आएगा। ये आतंकवादी जो छिपा हुआ था, ऑपरेशन चल रहा था, ये अपना तमाम जितने सामान है इसके पास, बंदूक है, असला है, जितनी भी चीजें हैं, वो कपड़े उतारेगा अपने। ये देखिए जैकेट उतारी उसने, हाथ ऊपर करेगा, फिर सामने की तरफ बढ़ा वो। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आतंकवादी, ये लाइव सरेंडर ड्रोन कैमरे के जरिए। जितनी भी चीजें इसने छुपाई हुई है उस पर नजर रखी गई, कोई चाल तो नहीं है, कोई विस्फोटक तो नहीं है इसके पास। फिर उसके बाद इसने हाथ ऊपर किए, अपनी जेब से कुछ असलाह, संभवतः जो चीजें हैं, बंदूक है, सारी चीजें जमीन पर रखी, इसने हाथ ऊपर किए। ये देखिए आप तस्वीर, ये पंपोर की तस्वीरें हैं। 20 घंटे से ऑपरेशन चल रहा था, दो आतंकवादियों को ढेर किया गया, तीसरे ने सरेंडर कर दिया। समझ में आ गया उसको बचना मुश्किल है, ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। एक बार फिर से पूरी तस्वीरों को ध्यान से देखिए, 30 सेकंड और, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये कश्मीर में आतंकी का सरेंडर ड्रोन कैमरे की नजर से। लगा इन तस्वीरों से जरूर शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि जनरल की भी हुंकार थी, कट्टरता पर आर पार की बात कर रहे थे। लास्ट वार्निंग हमारा हैशटैग है, चाहे कट्टरवाद, चाहे आतंकवाद वाला कट्टरवाद या अतिक्रमण वाला कट्टरवाद, दोनों ही कट्टरवाद के खिलाफ महायुद्ध का नेतृत्व क्या भारत करेगा, क्या हिंदुस्तान करेगा? क्योंकि ये तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है, ये तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। और आज जो सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा, वो पूरी दुनिया ने सुना। इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में तमाम सवाल मोदी के जनरल, सेना के सबसे बड़े अफसर की कट्टरवाद, इस्लामिक आतंकवाद को आखिरी अल्टीमेटम के बाद सब खड़े हुए हैं। आप इसे, आप समझिए इसे लास्ट वार्निंग भी आप कह सकते हैं, लास्ट वार्निंग। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया कट्टरता के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हो रही है, ऐसी तस्वीरें आ रही है तो भारत से आ रही है, जहां पर आतंकवादी घुटनों पर है, चीन घुटनों पर है, पाकिस्तान घुटनों पर है। चीन की इतनी पिटाई की, उसका हाल पाकिस्तान वाला हो गया है। और अब सीडीएस जनरल बिपिन रावत की तरफ से जो बड़ा स्टेटमेंट है, वो भी एक बार हम आपको सुना देते हैं, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि इस्लामिक आतंकवाद का सबसे बड़ा गढ़ पाकिस्तान। सुना दीजिए जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को सुना दीजिए। Pakistan has continued to remain the epicenter of armed Islamic insurgency and terrorism. For three decades now, the Pakistan Army and its intelligence agency, the ISI, known as the Deep State, have been waging a proxy war in Jammu and Kashmir. ये बहुत बड़ा बयान है, यकीन मानिए ये बहुत बड़ा बयान, संभवतः पहली बार इतना बड़ा बयान जिसमें इस्लामिक आतंकवाद और इस्लामिक इंसर्जेंसी का गढ़ पाकिस्तान को बताया गया। मेरे साथ सिद्धांत सिब्बल, जी मीडिया संवाददाता, वो इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मेरे साथ किश मोहन मिश्रा, जी मीडिया संवाददाता, वो भी लाइव इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन आपको साथ ही बता दें, हमारे साथ पूर्व सेना प्रमुख जनरल जे सिंह, खास मेहमान आज इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। फ्रांस में इस वक्त स्पेशल रिक्वेस्ट पर वो आज हमारे साथ बैठे हैं, और फ्रांस में जो कुछ हो रहा है आप जानते हैं। जनरल जे सिंह पूर्व सेना प्रमुख हैं, हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हैं, बीजेपी से सांसद हैं अपराजिता सारंगी जी, और इरफान हाफिज लोन, सैयद अब्बास भी आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले किश मोहन मिश्रा, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस्लामिक आतंकवाद का गढ़ पाकिस्तान, शायद संभवतः पहली बार इतनी स्ट्रांग स्टेटमेंट, और चीन को भी स्ट्रांग मैसेज।
दरअसल जनरल बिपिन रावत ने आज जो बात कही वो भारतीय भारत की जो तीनों सेना उनके जो सर्वोच्च अधिकारी है उसके उसी उस उसको ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए बिना लाग लपेट के और बिल्कुल साफ शब्दों में। पाकिस्तान अरसे से इस्लामिक आतंकवाद का गढ़ है, एपी सेंटर है, लेकिन अब वो इम्प्यूनिटी, वो सुरक्षा एंजॉय नहीं कर पाएगा जो लंबे अरसे से करता रहा कि वो भारत के ऊपर कोई भी हरकत करे, आतंकवाद को बढ़ावा देता रहे, उसके आतंकवादी भारत के शहरों में बम लगाते रहे, सुरक्षा बलों पर हमले करते रहे, लेकिन उस पर पलटवार नहीं किया जाएगा। और पिछली जो दो सर्जिकल स्ट्राइक हुई हैं उन दोनों ने ये चीज़ पाकिस्तान को बता दी। जी, जनरल बिपिन रावत का इशारा साफ साफ उसी तरफ था कि एपी सेंटर है आतंकवाद का, लेकिन अब वो सुरक्षा नहीं ले सकता कि वो भारत के हर जवाबी हमले से बचा रहे। लेकिन उन्होंने एक और चीज़ की तरफ इशारा किया, बिल्कुल साफ कहा कि इन सारी चीज़ों से में नाकाम होने के बाद अब पाकिस्तान सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों से भारत के खिलाफ दुष्प्रचार फैला रहा है। एक ये पाकिस्तान का नया एक तरीका और है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज इसमें ये भी है किश मोहन, जो आपसे पहले भी मेरी बात हो रही थी वो सिद्धांत, अगर आप उस पर रोशनी डाल पाए, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन को लेकर जो मैसेज दिया गया एलएसी को लेकर वो तब दिया गया जब आठवें दौर की कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो रही है। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी सीडीएस के स्टेटमेंट की, चीन को लेकर भी। सिद्धांत जी, टाइमिंग काफी इंपॉर्टेंट थी। मैं आपको बता दूं कि आज अभी वो जो मीटिंग है वो अभी भी चल रही है और कहीं ना कहीं ये जो मैसेज चीन को जा रहा है वो इसलिए जा रहा है क्योंकि चीन की तरफ से कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दिया, बल्कि एक कंसोलिडेशन की तैयारी हमने देखी क्योंकि विंटर तक की उम्मीद थी कि जब सर्दियां आ जाएंगी उस इलाके में चीन शायद कुछ डिसएंगेजमेंट की तरफ मूवमेंट करेगा, पर कोई मूवमेंट नहीं हुई है। अभी भी चीन की जो सेना है वो फिंगर फोर से लेके फिंगर आठ तक पैंगोंग लेक नॉर्थ बैंक पे डटी हुई है और कहीं ना कहीं भारत ने ये साफ कर दिया है कि पहले वो डिसएंगेज करेंगे तभी भारत डिसएंगेज करेगा। और जहां तक जो पाकिस्तान के ऊपर बयान आया है उसकी भी टाइमिंग काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ हफ्तों में तीन बड़े आतंकी हमले हुए हैं, फ्रांस में हुआ है, ऑस्ट्रिया में हुआ है और अफगानिस्तान में हुआ है, इसलिए जो स्टेटमेंट भारत के सीडीएस की तरफ से आई है वो स्टेटमेंट अहम है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका सिद्धांत सिब्बल और किश मोहन मिश्रा ये समझाने के लिए। हमारे साथ पूर्व सेना प्रमुख जनरल जेजे सिंह, हर कोई उनको सुनना चाहेगा आज। जनरल सिंह बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद सर। सवाल सबसे पहले ये, आप खुद फ्रांस में हैं और फ्रांस के पेरिस में जो हुआ, ऑस्ट्रिया के वियना में जो हुआ, दुनिया भारत की तरफ देख रही है। जो हमने हाल चीन का किया, पाकिस्तान का किया, कट्टरता से कोई मुक्ति दिला सकता है तो वो हिंदुस्तान ही है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया जानती है कि हमारे खिलाफ किस किस्म का ये जंग जारी है और हमें इसमें कामयाब होना है, आतंकवाद को पूरी दुनिया से खत्म करना है। अब मैं कहना चाहता हूं जो हमारे सीडीएस जनरल रावत साहब ने स्टेटमेंट दी है उससे एक संदेश हमने भेजा है चीन को और पाकिस्तान को और बाकी पड़ोसी देशों को, क्योंकि सब देखते हैं क्या हो रहा है हमारे सरहद पर या हमारे देश में कश्मीर में या पाकिस्तान की अंदरूनी हालत या चाइना की अंदरूनी हालत, ये बहुत जरूरी है। उससे साफ संकेत चाइना को मिला होगा कि हिंदुस्तान की फौजें अपने जगह पर डट के रहेंगी और जब ये फैसला होगा कि डिसएंगेजमेंट करना है तो पहले चीन को जो पहले घुसपैठ किया था जिसमें उसको पहले जाना पड़ेगा और फिर हिंदुस्तान उसके बाद एक्शन लेगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमें इस चीज में कोई शक नहीं होना चाहिए कि चीन और पाकिस्तान दोनों अगर मिलकर के भी कोई षड्यंत्र करना चाहते हैं उसके लिए भी हमें तैयार रहना है जी। और हमारे फौजें जो है वो हर हालत में बिल्कुल ताकतवर है कि ये ऐसा मुकाबला कर सकें। जनरल सिंह, एक सवाल आपसे, क्योंकि आप खुद फ्रांस में हैं, एक सवाल आपसे इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं कि इस वक्त दुनिया एक तरीके से कट्टरता के खिलाफ महायुद्ध शुरुआत हो चुकी है, मैक्रो वहां पर फ्रांस में जो कुछ कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये दुनिया देख रही है कि जो चीन का हाल पिछले 6 से 8 महीने में हिंदुस्तान ने जितनी पिटाई की है चीन की,
चीन का हवा बनाया जाता था, हमने जो चीन का हल किया, पाकिस्तान को किसी लायक हमने नहीं छोड़ा, आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट से लेकर तमाम चीजें हिंदुस्तान की सेना ने की, तो दुनिया को उम्मीद है कि अगर कट्टरता मुक्त दुनिया का सपना अगर दुनिया देखेगी तो उसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या हिंदुस्तान ही करेगा, मतलब कट्टरता के खिलाफ विश्व युद्ध का नेतृत्व भारत करेगा। मैं ठीक कह रहा हूं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जो भारतवर्ष कर रहा है दुनिया भी उसी मुताबिक उनका हमारा एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे कि हमें एकदम जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म है और जीरो टॉलरेंस फॉर वायलेंस। फ्रांस के प्रेसिडेंट ने भी कहा है कि मुझे आपका गुस्सा मंजूर है, आप नाराज हो जाओ कोई बात नहीं, लेकिन वायलेंस मंजूर नहीं है और हरगिज नहीं अलाउ करूंगा। तो उससे संदेश सबको मिल गया, उन्होंने बशिंदों को वापस भेज दिया जिनका मूल पाकिस्तान में था, उनको देश से निकाल दिया वापस, और 183 लोगों को वीजा नहीं दिया जिसमें कि कुछ उनके आईएसआई वाले भी लोग हैं। तो इसका मतलब यह है दुनिया भर को मैसेज मिल गया है कि जो है आतंकवाद जहां से हो रहा है शुरू, उसका एपिसेंटर पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में उनको या तो ट्रेनिंग दी जाती है या उनको ब्रेनवॉश किया जाता है या उनको मोटिवेट किया जाता है। इसलिए पाकिस्तान के वीजा वाले एप्लीकेशन जो है वो बहुत संजीदगी से देखी जाती है, और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान ने जो कदम उठाए हैं सरहद पर चीन को संदेश देने के लिए कि आप ये मत समझिए कि हिंदुस्तान 1962 वाला हिंदुस्तान है जी। अभी हमारी फौजें वहां डटकर रहेंगी और आपको पहले वापस निकलना पड़ेगा। एक इंच समझौता नहीं किया जाएगा क्षेत्रीय अखंडता संप्रभुता से, एक इंच समझौता, ये तो चीन को लेकर कहा गया, चीन को हद बताई गई, लेकिन पाकिस्तान को कैसे औकात दिखाई आज? सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने आपको जरूर सुनना चाहिए, सुना दीजिए एक बार, उसके बाद जनरल प्रसाद मैं आपके पास आऊंगा। पाकिस्तान हैज कंटिन्यू टू रिमेन द एपिसेंटर ऑफ आर्म्ड इस्लामिक इंसर्जेंसी एंड टेररिज्म फॉर 3 decades नाउ। द पाकिस्तान आर्मी एंड इट्स इंटेलिजेंस एजेंसी द ISI नोन एज द डीप स्टेट हैव बीन वेजिंग अ प्रॉक्सी वॉर इन जम्मू एंड कश्मीर and are now increasingly resorting to non-kinetic means by launching vicious anti-India rhetoric on social media and propagating false communal narratives to create social disharmony within India. मतलब इस्लामिक आतंकवाद का गढ़ पाकिस्तान, ये शायद संभवतः अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद। जनरल प्रसाद जय हिंद, आपको भी लगता है जो मुझे लगता है लास्ट वार्निंग अल्टीमेटम एक तरीके से, ऐसे समय में जब पूरी दुनिया कट्टरता के खिलाफ लड़ रही है, सीडीएस का स्टेटमेंट क्या बताता है सर? जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि यह स्टेटमेंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से आया है और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक गवर्नमेंट का हिस्सा है, ही इज अ पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो जो वो कह रहे हैं आज वो केवल भारत की सेनाएं और भारत की आर्मी नेवी एयरफोर्स नहीं कह रही, बल्कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बयान है। ही इज स्पीकिंग नाउ नॉट एज एन आर्मी चीफ, ही इज स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट का स्टैंड है, पाकिस्तान से आतंकवाद को हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। और इस समय का समय देखिए, इस समय यूरोप के अंदर फ्रांस में ऑस्ट्रिया में किस तरह से टेररिज्म बढ़ रहा है और नजर आ रहा है, उधर अमेरिका का इलेक्शन हो रहा है, इधर LAC पर आज कमांडर लेवल की बातचीत हो रही है। इस माहौल में जब इस तरीके का बयान आता है, उन्होंने ये भी कहा है कि शायद लड़ाई शायद ना हो लेकिन टेंस बहुत है, सिचुएशन इज वेरी टेंस ऑन दी LAC। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उन्हें सब चीज को मिला के ये बयान दिया है, ये आइसोलेशन में बयान नहीं है। ये बयान को आप बड़े तरीके से देखें कि पाकिस्तान इज द एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म, जो कि सब ने बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। LAC को चाइना को LAC पर वार्निंग मिल गई कि अभी चाहे कुछ भी विश्व में हो रहा है, आतंकवाद हो रहा है एक तरफ, प्रेसिडेंट इलेक्शन एक तरफ हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो अंदरूनी मामले हैं वो खराब हो रहे हैं। इस हालात में भारत न केवल LAC पर चाइना को चुनौती देने को तैयार है, बल्कि
वो चाह पाकिस्तान को लाइन ऑफ कंट्रोल पे और उसके अंदर घुसकर भी उसको टेररिज्म को खत्म करने के लिए काबिलियत रखता है। आपने जो वीडियोस दिखाए उसे ये दिख रहा था आज कि भारत की कितनी टेक्निकल शक्ति बढ़ गई है, हमारे ड्रोन्स ने किस तरह से आपको फोटोएं दिखाई हैं आज, तो ये देखिए आप कि भारत की सेना की कैपेबिलिटीज बढ़ रही हैं। भारत की जो इंटरनेशनल ट्रीटी हुई है 2+2 में अमेरिका के साथ, जो हमें नए नक्शे मिलेंगे, हमारे को नई इंटेलिजेंस मिलेगी, मोर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो सब चीज़ को आप एक जो बातें हम इस वक्त टेलीविजन में कर रहे हैं वो बातें सरकार में बहुत डिटेल में डिस्कस हो रही हैं, और वो डिस्कशन के बाद एक CDS ने स्टेटमेंट दिया है, यानी कि सरकार ने इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये स्टेटमेंट दिया है CDS ने। ये स्टेटमेंट स्टैंड अलोन अलग से स्टेटमेंट नहीं है, इसको आप सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दिस इज स्टैंड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आज की एनवायरनमेंट वर्ल्ड के अंदर हो रही है, तो ये बड़ा अहमियत रखता है, मोर इम्पॉर्टेंट देन एवर बिफोर। भारत सेना तो शुरू से तैयार है, भारत सेना आतंकवाद से कितने सालों से लड़ी रही है और लड़ने की क्षमता भी रखती है, लेकिन आज की तारीख में द टाइमिंग द टेनर द टोन द मैनर इन विच द CDS गेव द स्टेटमेंट, इससे बहुत कुछ भारत की जो इनसाइड इनसाइड ताकत है उसको जहर कर रहा है। जनरल सिंह, इसमें चाइना को भी चेतावनी मिल गई है, इसमें पाकिस्तान को भी। ठीक सर, मैं आपके पास आ रहा हूं जनरल प्रसाद, एक आखिरी कमेंट आपका, क्यों मुझे बताया गया कि जनरल जे सिंह को जाना है, एक आखिरी कमेंट जनरल जे सिंह आपका, लास्ट वार्निंग इसको मानू मैं, हम इसको समझ रहे हैं कि ये एक तरीके का अल्टीमेटम है इंडिया की तरफ से, लास्ट वार्निंग कह सकता हूं मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये लास्ट वार्निंग है, क्योंकि चीन भी एक बड़ा देश है और चीन भी अपने मुंह को छुपाने के लिए, फेस सेविंग के लिए कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ रहा होगा। जी जिनपिंग का ही ये फैसला था कि जो वो कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हमारा और चीन का ये जो मसला है, ये हम पड़ोसी कभी नहीं थे, हमारे बीच में टिबेट का एक देश था, वो टिबेट को जब्त कर लिया है चाइना ने, लेकिन टिबेट हमेशा उनके कंट्रोल में नहीं रहा है। 107 से आप इतिहास देख लीजिए, टिबेटन्स अपनी आजादी चाहते रहे हैं। ठीक सर, अभी अगर आगे आप देखेंगे कि चीन में सिर्फ जी जिनपिंग का बोलबाला है, वो ही उनकी पार्टी का चेयरमैन है, वो प्रेसिडेंट भी है, वो मिलिट्री कमीशन का भी चेयरमैन है, और हर किस्म की मतलब जो हो रही है चीजें चीन में वो ही है। उसने एक ये गैम्बल किया, मतलब उसने एक मिसएडवेंचर जो CDS ने वर्ड यूज किया है वो हम पहले भी कह सकते हैं कि गलत फैमिली में उन्होंने कदम उठाया, अब पछताना पड़ेगा नहीं तो वापस जाना पड़ेगा। वो स्टेटमेंट खासकर जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि भारत के जवाब का अंदाजा नहीं है चीन को, भारत के जवाब का अंदाजा नहीं है चीन को, यह शायद सबसे स्ट्रांग स्टेटमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया पूर्व सेना प्रमुख जनरल जे सिंह, आपने समय निकाला सर फ्रांस से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब MS बिट्टा हमारे साथ हैं, हमारे साथ अपराजिता सारंगी हैं, बीजेपी से सांसद हैं। अपराजिता सारंगी जी, कट्टरता के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व भारत करेगा, लेकिन अपने घर के कट्टरपंथियों से तो पहले निपट लीजिए मैम। यहां पर भी लोग फ्रांस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको पता है मैं क्या कह रहा हूं, फ्रांस के खिलाफ कट्टरपंथियों के पक्ष में हिंदुस्तान में भी कई जगह रैली और प्रदर्शन हुए, महाराष्ट्र में भी, बरेली में भी, जगह जगह। सारा विश्व जानता है कि चीन और पाकिस्तान के अनैतिक और षड्यंत्रकारी गठबंधन से हमारी सीमा पर तनाव बना रहता है और यह तनाव बढ़ता जा रहा है, और यह तनाव, ये जो संघर्ष का माहौल है, एक बड़े युद्ध में परिणत हो जाए इसकी संभावना से भी नकारा नहीं जा सकता है। और आज जो चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ श्री विपिन रावत जी ने वक्तव्य जारी किए हैं, कहा है हम सबको, मुझे लगता है उनकी स्पष्टवादिता काबिले तारीफ है। और अभी कुछ समय पहले एक वक्ता ने सही कहा, उन्होंने जो कहा है यह हमारी सरकार का विचार है, हमारे रक्षा मंत्रालय का विचार है, LAC हो या LOC हो, वास्तविक नियंत्रण रेखा हो या LOC हो, लाइन ऑफ कंट्रोल हो, किसी भी तरह की छेड़खानी और LOC तक ना जाए, कई कट्टरपंथी घर में मिल जाएंगे मैम, मैं कह रहा हूं उनसे लड़ लेंगे बाद में, पहले घर के कट्टरपंथियों को नहीं किया जाएगा। ये मैं आपको बता दूं, मैं आ रही हूं, मैं आपके 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 क्वेश्चन पर आ रही हूं। देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान का जहां तक सवाल है, पाकिस्तान का लोकतंत्र मिलिट्री तानाशाही में पल रहा है
और आंतरिक डिस्टरबेंसेस बहुत हैं पाकिस्तान में, ये हम सब जानते हैं, और जब जब वहां आंतरिक डिस्टरबेंसेस होता है तो ये डिस्टरबेंसेस हमारे देश में परिलक्षित होता है। हमारे आंतरिक मामलों में हमेशा नहीं, नहीं, अपराजिता जी आप कहां पाकिस्तान चीन जा रही है, मैं कह रहा हूं घर में ही फ्रांस के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हमें यहीं बिल्कुल हम इंदौर की तस्वीरें याद है ना, इसको लेकर यहीं पर घर में ही फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन और कट्टरपंथियों के पक्ष में, घर में कट्टरपंथियों का क्या करेंगे। मैं आपको बता दूं कि भारत की रक्षा के लिए और भारत की सीमा की रक्षा के लिए हमारे जवान, हमारे नौजवान, हमारे किसान और हमारे प्रधानमंत्री काफी हैं, और जिस तरह का स्टेटमेंट आज दिया गया है मुझे लगता है यह काबिले तारीफ है। मैं पुनरावृत्ति करूंगी, समझ रही हैं अपराजिता जी, मैं कह रहा हूं आप दुश्मन देशों से तो निपट लेंगी, घर के दुश्मनों से उनका क्या करेंगी, फ्रांस के साथ हिंदुस्तान, फ्रांस के साथ मोदी, लेकिन यहां पर कई कट्टरपंथी हैं जो फ्रांस के खिलाफ जलसे जुलूस निकाल रहे हैं, आप जानती हैं, उनसे तो पहले निपट लीजिए, घर के भेदी घर में बैठे हैं कट्टरपंथी। देखिए हमारा संदेश बहुत ही क्लियर है, समझने वाले समझ जाते हैं, हमारा संदेश बहुत ही क्लियर है, समझदार को इशारा काफी होता है, और जिस तरह से हम सब पाकिस्तान को डील कर रहे हैं, चाइना को डील कर रहे हैं, और हमने अपना रुख स्पष्ट किया है, मुझे लगता है जो आंतरिक डिस्टरबेंसेस क्रिएट कर रहे हैं उन्हें भी यह संदेश मिल चुका है। बिट्टा साहब मिल गया संदेश क्या? किसी भी तरह का समझौते का प्रश्न नहीं। सबसे ज्यादा वोकल रहते हैं, बाहर के दुश्मनों से ज्यादा घर के अंदर के दुश्मन खतरनाक है, घर के भेदी, मिल गया क्या मैसेज, लास्ट वार्निंग कट्टरपंथियों को, दुनिया के कट्टरपंथियों को, हिंदुस्तान के, उनको क्या करें बिट्टा साहब? एक छोटा सा शेर है, उसको कहते हैं दुश्मनों के सितम का खौफ नहीं, अपनों की वफा से डरते हैं। अभी प्रसाद साहब, जनरल प्रसाद साहब ने, क्योंकि ये राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, इन्होंने पता नहीं कितनी बहादुरी से जंगे लड़ी है, इन्होंने आज की आतंकवाद के ऊपर स्थिति, इन्होंने पाकिस्तान और चाइना के ऊपर बता दिया कि आज हमारा देश खड़ा है, मजबूती से खड़ा है जी। हम आपके चैनल में आते हैं, जनरल साहब आते हैं, मैं आता हूं, जे सिंह जी आते हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, चाहे जनरल प्रसाद साहब हो, चाहे जे सिंह जो, चाहे हम हो, हमारे लिए तो प्रथम राष्ट्र है, पार्टी के आती जाती रहती है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि आज की आतंकवाद के खिलाफ, आज की सीमाओं की रक्षा के लिए हमारी राजनीति स्पष्ट है, हमारी इच्छा जो है, इच्छा शक्ति आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट है, और वो आप अमन जी देख रहे हैं, मुझे बता दीजिए पिछले 6 साल के अंदर, कोई दीनानगर की घटना के बाद, पठानकोट की घटना के बाद, क्या 26/11 की घटना, क्या पार्लियामेंट की घटना, क्या बॉम्बे के अंदर ट्रेनों में ब्लास्ट, क्या दिल्ली के अंदर दिवाली के दिनों के अंदर जगह जगह पे ब्लास्ट, अलग अलग जगह पे ब्लास्ट होते थे, बताइए मुझे अमन जी, मेरा एक सवाल है, मुझे बताइए क्या कहीं ब्लास्ट हुआ, क्या है इसका मतलब, आतंकवाद को सफाया कर दिया, कुछ है नक्सलाइट आतंकवाद है पर वो भी समाप्त, आगे से फर्क पड़ रहा है ये। आज हमने सबसे पहले 6 साल के अंदर हमारी सुरक्षा फोर्सेज ने, हमारी राजनीतिक अच्छी विल ने आतंकवाद के ऊपर पूरा कंट्रोल किया, और उसके बाद आप देखिए चाइना, चाइना जैसा मुल्क, उनको मुल्क को छोटा नहीं समझ सकते आप, दुनिया में अपने लोग उनको ताकत समझ, पर आज हिंदुस्तान ने अमेरिका की सपोर्ट के बगैर, रशिया की सपोर्ट के बगैर, दुनिया में किसी की सपोर्ट के बगैर, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कहां खड़े हो जाते हैं, बार बार चर्चा करते हैं, कभी को खड़ा हुआ छाती चौड़ी करके चाइना की गोलियों के सामने खड़े हो जाते, क्या कहते हैं, पहली गोली मेरा सीना पार करके प्रधानमंत्री का जाएगी, फिर मेरे भारत माता के ऊपर लगेगी। इसलिए पूरी दुनिया को उम्मीद भी भारत से ही है, इसलिए पूरी दुनिया कट्टरता के खिलाफ लड़ाई में भारत की ओर देख रही है। क्या कुछ कहा गया सीडीएस जनरल बिपिन रावत की तरफ से, एक और स्टेटमेंट हम सुना देते हैं, उसके बाद इरफान हाफिज लोन और सैयद अब्बास मैं आपके पास आऊंगा, सुना दीजिए। The surgical strikes post Uri terror attack and the Balakot air strikes have delivered a strong message that it no longer enjoys the impunity of pushing terrorists across the line of control under the nuclear. Pakistan has continued to remain the epicenter of armed Islamic insurgency and terrorism. For 3 decades now, the Pakistan Army and its intelligence agency, the ISI, known as the Deep State,
have been waging a proxy war in Jammu and Kashmir and are now increasingly resorting to non-kinetic means by launching vicious anti-India rhetoric on social media and propagating false communal narratives to create social disharmony within India. इरफान हाफिज लोन, लास्ट वार्निंग, कट्टरपंथियों के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं. इरफान हाफिज लोन. अमन जी, सबसे पहले आपसे गुजारिश होगी, मुझे इंटरप्ट ना करिएगा. अगर आप मेरी बात से सहमत भी नहीं होंगे, लेकिन मुझे सुनिएगा पहले. मेरी आपसे गुजारिश है ये कि जो सेना बात कर रही है, साहस की बात कर रही है, बहुत अच्छी बात है. ये कहने वाली बात है, बहुत साहस वाली बात है जो वो चाइना को सबक सिखाने जा रहे हैं और कह रहे कि जो एलएसी है वो तब्दील नहीं होगी. हम सेना के साथ है इसमें. लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं. जहां तक रावत साहब है, ये बारामूला में हमारे यहाँ पोस्टेड रह चुके हैं निजी तौर, ये बहुत ही एक अच्छे व्यक्ति है. लेकिन जनरल शंकर प्रसाद साहब ने सही कहा कि इस वक्त सीडीएस की हैसियत से बोल रहे हैं और सरकार की ओर से बोल रहे हैं. मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जहां तक मेरी सोच है, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ इत्तेफाक रखेंगे. कोई भी धर्म नहीं सिखाता है हिंसा की. हमें नहीं जोड़ना चाहिए महजब के साथ वायलेंस को. और अगर आप इस्लाम की बात करें तो इस्लाम जो है, आप सुनिए, ये परफेक्ट एक वे ऑफ लाइफ है, पीसफुल प्रोवाइड करता है. और जहां तक अगर आप अब इसकी कट्टरपंथी की बात करते हैं कि इसे निपटना होगा, सबसे मैं पहले आपसे बात कहना चाहूंगा, जो हिंदुस्तान की इस वक्त छवि है लिंचिस्तान की, जो यहाँ पर लिंचिंग होती है, जो यहाँ पर काउ विजिलेंटीज सामने आते हैं, जो यहाँ पर कैलाश मिश्रा कहता है, जो यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर कहता है देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, जो मोहन भगवत कहता है हर हिंदुस्तानी यहाँ पर हिंदू बनना है उसको, आप सुनिए मेरी बात. हिंदू युवा वाणी के बारे में सुना है, योगी आदित्यनाथ उससे जुड़े हुए थे. वो कहते हैं मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकालो और उनके साथ बुरा सलूक करो. अच्छा, आपने संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट पढ़ी है? अच्छा, इरफान हाफिज, मैं आपके साथ हूँ इस चीज में. एक चीज में मैं आपके साथ हूँ. आपने जो बोला लोन साहब, एक मिनट सुनिए ना, मैं आपके साथ हूँ. आपने ठीक कहा अलगावाद से लोन साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा लोन साहब. एक मिनट सुनिए, आराम से. चीखते नहीं है ना, आराम से बात करेंगे. इतने सीनियर लोग हैं पैनल पर, आराम से बात करेंगे. मैं आपके साथ हूँ. जो आपने कहा, कोई मजहब नहीं सिखाता हिंसा करना, ठीक. ये जो गला काटना है, तमाम चीजें हैं, इसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, ठीक. तो जो फ्रांस में गला काटा गया वो इस्लाम विरोधी मानते हैं? देखिए, मैं आपसे ये कहता हूं, आप एक घटना नहीं, आप सामने रखिए. मैं कह रहा हूं घुमाइएगा नहीं, जो ये इस्लाम नहीं, 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 नहीं. फिर से सवाल पूछता हूं. मैं मानता हूं कोई मजहब नहीं सिखाता. एक मिनट रुक जाइए, आराम से. लोन साहब फंस जाते हैं तो घबराइए मत. आराम से घबराइए मत. आराम से, सीनियर लोग हैं सर पैनल पर, आराम से बात करेंगे. लोन साहब, आपने बोला कोई मजहब नहीं सिखाता. आपने बोला, एक मिनट बंद करिए ना, आराम से बात करिए ना. चिकन चिल्ली जरूरी करनी है, बंद करिए बात, आराम से सुनिए. आपने कहा, लोन साहब आराम से, लोन साहब आपने कहा कोई मजहब नहीं सिखाता हिंसा करना. तो जो फ्रांस में जो गला काटा गया वो इस्लाम विरोधी. छोड़िए ना सर, आपने चीखने आते हैं, आप लोग बात ही नहीं करनी आती आप लोगों को. चीखने आते हैं क्या? सवाल सुनिए, जवाब दीजिए. सवाल सुनिए, जवाब दीजिए. आराम से, आराम से, आराम से, आराम से. इरफान हाफिज लोन, चलिए हम हो गया, आराम से सवाल. मैं आपके साथ हूं, आपके साथ हूं इरफान हाफिज लोन. शांति का धर्म इस्लाम, कोई मजहब नहीं सिखाता हिंसा. मैं आपके साथ हूं. ये चंद जयचंद, मैं हर डिबेट में रोज बोल रहा हूं. इसलिए मेरा सवाल, फ्रांस में जो गला काटा गया, ऑस्ट्रिया में जो गला काट सोच का प्रदर्शन हुआ, वो इस्लाम विरोधी है? पेरिस में जो गला काटा गया वो इस्लाम विरोधी? पहले आप बिल्कुल, मैं जवाब देता हूं. योगी आदित्यनाथ जी ने नहीं, 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 नहीं बोल सकते. सैयद अब्बास, ये सवाल मेरा आपसे है. छोड़िए, आपके पास जवाब नहीं है. पता लग गया इरफान हाफिज. सैयद अब्बास, कट्टरपंथियों के बुरे दिन शुरू, कट्टरवाद के खिलाफ महायुद्ध, कट्टरपंथियों के बुरे दिन शुरू. लास्ट वार्निंग. पिछले 30 मिनट से तमाम हाजिर पैनलिस्ट को सुन रहा हूँ. मिनट का मौका दीजिए, मैं अपना पॉइंट पेश करूंगा. जो आपका सवाल है उसमें होगा, जिसने कत्ल किया पार्टी का, उसको बता दूं, वो ऐसा आदमी कुरान के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक, अगर आप एक जान बचाएं, इसका मतलब ये होता है कि आप सभी के जान बचाएं. अगर आपने एक जान ली है, यू आर द बिगेस्ट
एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, जब वो रास्ते से गुजर रहे थे एक औरत थी जो उनपे हमेशा कूड़ा कचरा फेंक रही थी। एक दिन ऐसा आया जब औरत ने कूड़ा कचरा नहीं फेंका, तब हमारे रसूल उसके घर पर पहुंचे और उसकी खैरियत पूछी, आप ठीक हैं क्या, और उन्हें अपनी बेहतर तबीयत होने की दुआ की। ये इख्तियार प्रॉफेट मोहम्मद का और एक मुसलमान का, वो आदमी जिसने कत्ल किया, मैं बात खत्म कर लूं, मैं उसकी निंदा करता हूं, ऐसा आदमी को जेल में डालना मतलब चाहिए और चाहिए। मतलब आप फ्रांस के साथ, दूसरी बात नहीं सुनिए, मैं फ्रांस के साथ हूँ लेकिन फ्रांस के साथ और गला काटना इस्लाम विरोधी, लेकिन लेकिन मैं प्रेसिडेंट मैक्रॉन ने जो कहा इस्लाम के बारे में उसके साथ नहीं हूं। जो उन्होंने बैकिंग की वो कार्टून्स की, प्रॉफिट के खिलाफ की कार्टून्स की, उसके साथ नहीं हूं। जो इस्लामोफोबिक आदमी है, वो जो इस्लामिक क्राइसिस बताता है, इस्लामिक सेपरेटिज्म बताता है, उसके साथ नहीं हूं। और एक बात, मैं झूठे मुसलमान इमरान खान के साथ भी नहीं हूं। मुसलमान के नाम पे धब्बा है इमरान खान, सिर्फ नाम मुसलमान रख लेने से कोई मुसलमान नहीं होता। इमरान खान, इमरान खान एक ऐसा आदमी है जो हिंदुस्तानी हमारे मुसलमानों की बात करता है लेकिन चाइना के उनके मुसलमानों पे चुप्पी रखता है। सईद भाई, हिंदू मुसलमान का मसला ही नहीं है, ये कट्टरपंथियों के खिलाफ लड़ाई है, ये कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई है। इमरान खान जैसे मुसलमान को हम मुनाफिक कहते हैं। जनरल वीपी मलिक जुड़ गए हैं, मैं आ रहा हूँ सर आपके पास, खास मेहमान पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जनरल मलिक जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया सर समय निकालने के लिए। सीडीएस के स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखते हैं सर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की स्टेटमेंट को, लास्ट वार्निंग चीन और पाकिस्तान के लिए? देखिए ये आई वुडंट से लास्ट वार्निंग तो नहीं, पर ये एक वार्निंग जरूर है पाकिस्तान के लिए भी और चीन के लिए भी। आपको मालूम है कि चीन के साथ में बातचीत भी चल रही है और हमारी पोजिशन भी वहां पर हमारे फौजियों ने ली हुई है, तो ये दोनों की तरफ एक मैसेज है कि देखिए हम अपनी दृढ़ता के ऊपर बने हुए हैं और आपका अच्छा मुकाबला कर सकते हैं। जनरल मलिक, जिस तरह का इस वक्त जिस तरह की लड़ाई फ्रांस के पेरिस में जो हुआ, ऑस्ट्रिया के वियना में जो हुआ, आपको लगता है कि भारत ने जिस तरीके से चीन या पाकिस्तान को मैसेज दिया है, इस वक्त एक्सट्रीमिज्म, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ लड़ाई में उम्मीद भारत से ही है? ये आपकी बात सही है, भारत ऐसे देशों में है, डेमोक्रेटिक नेशंस में है, जहां पर सेक्युलरिज्म हम प्रैक्टिस करते हैं और उसका आतंकवाद का कड़ा मुकाबला कर रहा है, तो पूरी दुनिया को भारत से काफी उम्मीद है कि जिस तरीके से हम उसका कड़ा मुकाबला कर रहे हैं वो हम करते रहेंगे, और यही एक तरीका है कि जो आतंकवाद फैला हुआ है उसको उसका मुकाबला करने का। और टाइमिंग, सीडीएस की स्टेटमेंट की टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट, आज ही चीन के साथ जो है आठवें दौर की कोर कमांडर सर की बातचीत भी हो रही है सर? चाइनीज के साथ में बातचीत हो रही है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपको भी मालूम है कि इस वक्त ट्रस्ट नहीं है दोनों देशों में, दोनों फौजों में। 15 जून को जो वारदात हुई थी तो उसके बाद में ट्रस्ट नहीं रहा है, और इसलिए चाहे बातचीत चल रही है, चलती रहेगी, लेकिन हमें अपनी फौज को हमेशा अलर्ट रखना पड़ेगा। और सीडीएस की तरफ से जो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, इस्लामिक आतंकवाद का गढ़ पाकिस्तान, ये संभवतः पहली बार सर, फर्स्ट टाइम? नहीं, वो पहले भी शायद कह चुके हैं, इस्लामिक मैं भी कह चुका हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, किसी को शक नहीं होना चाहिए, खासकर जो साउथ एशिया वाले लोग हैं, हम सबको मालूम है कि एपिसेंटर जो है टेररिज्म का, इस्लामिक टेररिज्म का, वो तो पाकिस्तान है। एक आखिरी कमेंट सर आपसे, मतलब ये कट्टरता के खिलाफ या आतंकवाद, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म या अतिक्रमणवाद, विस्तारवाद, इन सब के खिलाफ लड़ाई में वर्ल्ड लीडर या इस वक्त इंडिया लीडिंग पोजीशन में है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में? मैं सिर्फ इंडिया को नहीं कहूंगा, लेकिन इंडिया के साथ साथ में अभी बहुत ज्यादा बहुत देश हमारे साथ में मिल रहे हैं। मेरे ख्याल में उनको भी ये अभी महसूस हो रहा है सब जगह के ऊपर, चाहे वो
यूएसए है या अमेरिका है या यूरोप है, कई कंट्रीज यूरोप के भी और जहां पर भी हम डेमोक्रेटिक नेशंस हैं, तो उन सबको ये इस बात का महसूस हो रहा है कि आतंकवाद और विस्तारवाद, इसके अगेंस्ट हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी एकजुट होकर। और इसी वजह से ही जो हमने अभी कुछ समझौते किए हैं क्वाड नेशंस के साथ में, या आजकल एक्सरसाइजेस हो रही हैं मालाबार एक्सरसाइज मालाबार वगैरह, तो ये सब जो है इकट्ठे फॉरेन रिलेशंस के बीच में भी, इंटरनेशनल रिलेशंस के बीच में भी ये जो है आवाज उठ रही है विस्तारवाद और आतंकवाद के खिलाफ, और भारत उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण उसमें अपनी एक्ट कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल मलिक समय निकालने के लिए। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया लीडिंग पोजीशन पर, जनरल प्रसाद एक कमेंट आपका इसी पर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया लीडिंग पोजीशन पर। देखिए भारत कितने कम से कम 30 साल से इस टेररिज्म से जूझ रहा है, 1992-93 से लेके आज 20 हो गया, तकरीबन 30 साल से भारत आतंकवाद से जूझ रहा है, पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म को जूझ रहा है, पाकिस्तान की पॉलिसी ऑफ टेररिज्म की तरफ से जूझ रहा है। तो इस समय मैं समझता हूं कि एज ए नेशन इंडिया इज द मोस्ट एक्सपीरियंस कंट्री इन द वर्ल्ड विच इज फाइटिंग टेररिज्म फॉर लास्ट 30 ईयर्स। तो जो हमें इस वक्त इसका ज्ञान है, जो हमें इसकी करने की तरीके हैं, जो हमारी टैक्टिक्स हैं, जो हमारी स्ट्रैटेजी है, जिस तरीके से हम पॉलिटिकली मिलिटरली इसको इसके साथ झेल रहे हैं, वो एक वर्ल्ड में सबके लिए एक एग्जाम्पल है। हमने अभी देखिए पिछले 3-4 सालों में कोई ऐसी हरकत नहीं की आर्म्ड फोर्सेस ने जिससे सिविलियन पॉपुलेशन को नुकसान हुआ हो, बल्कि टेररिस्ट रोज मारे जा रहे हैं। तो इंडिया इज क्रिएटेड अ एग्जाम्पल फॉर द वर्ल्ड हाउ टू फाइट टेररिज्म। फ्रांस में अभी शुरू हुआ, एक 2-3 हादसे हुए, ऑस्ट्रिया में हुआ, कनाडा में हुआ, वियना में हुआ, कई जगह हुआ, लेकिन भारत में आप देखिए कितना हो चुका है ये। तो भारत इज द मोस्ट एक्सपीरियंस एंड देयरफॉर ये कहना कि हम लीडर है तो मैं नहीं कहूंगा, बट द मोस्ट एक्सपीरियंस कंट्री अवश्य कहूंगा, और बाकी वर्ल्ड को हमसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। बिल्कुल। एक आखिरी कमेंट अपराजिता सारंगी जी आपका इंडिया लीडिंग पोजीशन पर, अपराजिता सारंगी बीजेपी से सांसद, एक आखिरी कमेंट आपका अपराजिता सारंगी। निश्चित तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लीडिंग पोजीशन पे हैं, और काफी अच्छा संदेश दिया गया है, और ये जो इस्लामिक आतंकवाद को अल्टीमेटम आपके प्रोग्राम का जो टाइटल है बिल्कुल सही है। और मैं ये कहना चाहूंगी एक बड़ी खबर अपराजिता जी, एक मिनट में आपको रोक रहा हूं। करतारपुर मामले में विदेश मंत्रालय पहुंचे पाकिस्तानी राजनयिक, उनको तलब किया गया था। कल हमने आपको खबर दिखाई थी ना कि सिख पाकिस्तान से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से सुरक्षा लेकर आईएसआई की एक एजेंसी को करतारपुर का सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया था, उस पर आपत्ति दर्ज कराई गई, और पाकिस्तानी राजनयिक देखिए विदेश मंत्रालय पहुंचे हैं, आपत्ति दर्ज कराई गई थी इस पूरे फैसले को लेकर, करतारपुर को आईएसआई की एजेंसी के हवाले करने को लेकर, आईएसआई की एजेंसी को सुरक्षा के मसले पर, करतारपुर मसले पर, अब यहां पर आपत्ति दर्ज कराई गई। और देखिए वो तस्वीरें जब पाकिस्तानी राजनयिक को तलब किया गया कि क्या फैसला लिया आपने, आप फैसला तुरंत वापस लें, और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पाकिस्तानी डिप्लोमेट को समन किया गया करतारपुर गुरुद्वारा मैनेजमेंट इशू को लेकर। सिद्धांत सिब्बल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धांत, काफी सीरियसली लिया जा रहा है करतारपुर मसले को भारत सरकार की तरफ से? जी काफी सीरियसली, और मेरे पीछे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर एमईए हेडक्वार्टर्स में पाकिस्तानी डिप्लोमेट को समन करा, वो इस वक्त अंदर ही हैं, उनकी गाड़ी बाहर खड़ी है। मैं आपको बता दूं भारतीय सरकार हर उस मसले को सीरियसली लेती है जहां माइनॉरिटीज इन्वॉल्व होती है पूरे इस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और पाकिस्तान में स्पेसिफिकली, क्योंकि वहां पे काफी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कैसे माइनॉरिटीज को प्रताड़ित करा जा रहा है, कन्वर्जन्स की काफी खबर आ रही है, सिखों की बात कर लें या हिंदुओं की बात कर लें या क्रिश्चियंस की बात कर लें, और इसलिए ये एक सीरियस मैटर के तहत भारतीय सरकार ने समन करा है। मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि एक स्टेटमेंट भी आ सकती है भारत सरकार की तरफ से जल्दी अगले 15 मिनट में, कि समनिंग में बेसिकली एक डिमांड किया जाता है, एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, और जो डेप्टी हाई कमिश्नर है पाकिस्तान के उनको बुलाया गया है और उनको तलब करके एक तरफ से भारतीय सरकार एक प्रोटेस्ट नोट देगी। पर इसके अलावा अगर मैं पास की बात कर सकूं तो सिंध जो प्रोविंस है, सदर्न सिंध प्रोविंस पाकिस्तान की, वहां पे हिंदुओं की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है,
आप उसको लेकर भारत सरकार ने पहले भी डिमांड्स दिए हैं और जो कन्वर्जन की रिपोर्ट्स आ रही हैं, हमने देखा ननकाना साहिब में कैसे एक कन्वर्जन का जो किस्सा था, आयशा बीबी का कन्वर्जन केस इशू, उसको लेके भारत सरकार ने समन भी किया था। और ये मसला जो है सिद्धांत, जिसका भी आप जिक्र करते हैं, डिप्टी हाई कमिश्नर को समन किया गया, और सिद्धांत ये जो पूरा मसला है कि वो गुरुद्वारे के रख रखाव का काम जो है ईटीपीबी को सौंपा गया, जो आईएसआई की एजेंसी थी उसको सौंपा गया, और उसी को लेकर बिट्टा साहब एक कमेंट आपका इस पर, पाकिस्तानी डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब किया गया करतारपुर गुरुद्वारे की मैनेजमेंट जो है वो सिख कमेटी से लेकर मुस्लिम कमेटी को सौंपी गई, ईटीपीबी वो आईएसआई की एजेंसी, उसको लेकर समन किया गया। बिट्टा साहब एक बात बिल्कुल मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो पाकिस्तान की आईएसआई की नियत जब करतारपुर का कैलिडोर खुला था उस वक्त ही बुरी नियत थी उसकी, और जो यहां से हमारा सिख समाज या हिंदू समाज जाएगा ननकाना साहब या करतारपुर साहब मत्था टेकने जाएगा, आईएसआई के लोग वहां पे भड़काने की कोशिश करेंगे हमारे युवाओं को, और भड़काने के बाद खालिस्तान की बातें होगी, जो खालिस्तान कभी हमने पंजाब में बनने नहीं दिया दोबारा खालिस्तान की चर्चा करेंगे, इसलिए आईएसआई ने वहां पे उसको अपना कब्जा लेने की कोशिश की कि कश्मीर से फेल हुए, लद्दाख से फेल हुए, हर जगह से फेल हुए और पंजाब की तरफ फिर ये मुंह मोड़ ले, ये इसलिए ये शरारत, ये बहुत बड़ी चाल। बिट्टा साहब आपने बड़ी चीज कही, बहुत बड़ी चाल एक तरीके से पाकिस्तान की, क्योंकि आतंकियों के सेना आईएसआई के हवाले करतारपुर दरबार साहिब की सुरक्षा का जिम्मा आईएसआई की एजेंसी को दिया गया, वो हमने कल आपको खबर उस पर डिबेट भी की थी। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल शंकर प्रसाद, आप मेरे साथ जुड़े, बिट्टा साहब आपका, पराजिता सारंगी जी आपका भी शुक्रिया, इरफान हाफिज लोन और सैयद अब्बास आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ताजपुक के में आज मेरे साथ जुड़ने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.